हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वनचार्ज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, तो चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र पे चला जाऊँगा। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में सर्च करना है youtubestudio.com। सर्च करने के बाद आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। डेस्कटॉप साइड में करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला लिंक दिखाई देगा यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लग रहा है। और आप जब भी अपनी वीडियो को अपलोड करना है तो आप हमेशा अपने क्रोम ब्राउज़र से ही या यूट्यूब स्टूडियो से ही अपने वीडियो को अपलोड काम अपने हिसाब से जो भी एडिट करना होता है सब कुछ यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे ऊपर अपलोड करने के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ दिखाई देगा क्रिएट, क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ। अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे दे रहा है सिलेक्ट फाइल, तो मैं इस पर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे मैं अपना फाइल को फाइल में से चूज कर लेता हूँ। चूज करने बाद यहाँ मैं फर्स्ट वाला इसको चूज कर लेता हूँ। चूज करने बाद यहाँ देख सकते हैं जो मेरा फाइल है यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे अपना जो टाइटल है अपने वीडियो का जो टाइटल होता है उसको आपको टाइटल पे यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ टू वर्क। करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जो भी इंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं हाई यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपलोड थंबनेल पे क्लिक करके आप थंबनेल भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे करूँगा, थोड़ा सा नीचे करने में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो भी वीडियो बनाए हैं ये किड्स है या फिर अदर है, तो आप कोई अदर से वीडियो बनाए ब्लॉग या फिर कुछ भी तो उसको आप अलग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा इंट्रो बनाया हूँ तो इंट्रो अपलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आई एम नॉट किड पे क्लिक करूँगा। आप जो भी वीडियो चढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा ट्राई करना कि आई एम नॉट किड्स पे क्लिक करने के लिए। उसके क्या होगा कि जो आपका वीडियो का कैटेगरी होता है किड्स में चला जाएगा या कार्टून में चला जाएगा, तो आपको व्यूज भी कम आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है अपलोडिंग हो चुका है। अपलोडिंग होने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है वीडियो एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आएगा, वीडियो पे क्लिक करता हूँ। वीडियो पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक वीडियो ले लेता हूँ। उससे क्या होगा कि अगर जब आप वीडियो नहीं आप देखोगे तो यहाँ पे सर्च में ऐसा ऑप्शन आता है कि सजेशन में आई बटन में आता है कि इसके बाद ये वाला वीडियो या फिर ये वीडियो इस पे चैनल पे चढ़ा है, अच्छा वाला वीडियो कोई सा आप चढ़ाए हो तो उसको सजेशन में दे देता है। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने बाद यहाँ पे विजिबल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप जो वीडियो है आप प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर पब्लिक या फिर शेड्यूल लगाना चाहते हैं, तो आप हमेशा ट्राई करो कि अनलिस्टेड रखने का। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप वीडियो में आप पब्लिक कर देते हैं तो उसमें कोई गलती या त्रुटि होती है तो उसको हम सुधार देंगे, तो मतलब कोई भी आपका सब्सक्राइबर रहेगा तो वो जान जाएगा कि हाँ इसमें गलती थी, सुधारा है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो वीडियो चढ़ाना है वो थोड़ा सा टाइम से पहले चढ़ा दो। उसके बाद यहाँ पे अनलिस्टेड करके अब चढ़ा दोगे तो ये वीडियो जो है आपका अपलोड तो हो जाएगा पर अब किसी के पास अभी शेयर नहीं हो रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विजिबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनलिस्टेड करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है अपलोड हो चुका है।